तो स्वागत करते हैं जी अपने YouTube चैनल गार्डन वॉइस के ऊपर। ठीक है जी, और आप ठीक हों, अच्छे हों, बढ़िया हों, यही हमारी है ये ख्वाहिश। तो आज हम क्या करेंगे जी, अपने जो पर्सलेन के जो प्लांट हमने लगाए थे जी, कटिंग लगाई थी, अब इनको हम कुछ ही बड़े पॉट के अंदर करेंगे जी शिफ्ट। देख रहे हैं आप देख सकते हैं, एक ये हमारा छोटे से कप के अंदर हमने इसको लगाया था, ये बड़ा हो गया। और आप देख सकते हैं कुछ अटैक भी हुआ है जी, इंसेक्ट्स का अटैक। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो गार्डनिंग है, चलता ही रहता है अटैक। ठीक है, तो कुछ हम बड़े बड़े प्लांट जो थोड़े मैच्योर हो चुके हैं उनको हम करेंगे जी शिफ्ट अपने बड़े पॉट के अंदर। इन दो पॉट के अंदर हम इनको लगाएंगे। ठीक है जी, चिकनी मिट्टी के हैं और बढ़िया चलेंगे जी गर्मी के अंदर। इससे क्या होता है, जो प्लास्टिक के पॉट के कंपैरिजन में मिट्टी के जो हमारे गमले होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं जी गर्मियों के अंदर। तो जो हमारे पर्सलेन के जो प्लांट होते हैं इनको कोई बहुत बड़ा कोई गहरा पॉट नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रूट से इनकी डेवलप होती है, उनको छोटे गमले के अंदर भी आप बहुत अच्छी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से करते हैं जी ग्रो। तो इसके लिए ये जो प्लांट है, जो गमला है, ये है जी काफ़ी। ठीक है साहब, और ये आप देख सकते हैं रूट्स डेवलप हो गई है जी। इस छोटे से ग्लास के अंदर हमने इसको लगाया था और काफ़ी ये बड़ा हो गया है, तो अब ये इसके लिए गमला है जी बढ़िया। ठीक है, तो इसको हम सेंटर में लगा देते हैं जी, इसको भी और इसको भी हम लगा देते हैं जी सेंटर में। इसको भी हमने लगा दिया, बाकी आप देख सकते हैं कुछ अटैक्स हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से कर देंगे जी बाहर। ठीक है, क्योंकि जितना आप इसकी कटिंग करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से करेगा जी ये ग्रो। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये कुछ ब्रांचेस की निकल रही हैं, तो इनको तो हम कर देंगे जी साइड। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम कर देंगे जी थोड़ा सा पिंच। ठीक, तो वेल्ट डेंट तरीके से ये हमारा सेट हो गया है। ठीक है जी, मिट्टी के अंदर लगा दिया, मिट्टी है जी इसकी नॉर्मल, गार्डन सॉइल इसके अंदर मिला हुआ है, रेत इसके अंदर मिला हुआ है, गाय की गोबर की खाद इसके अंदर थोड़ी बहुत मिली हुई है और कोकोपीट भी इसके अंदर मिला हुआ है। 50% है जी इसके अंदर गार्डन सॉइल। ठीक है, बाकी 50% के अंदर हमने तीनों चीज़ें इसके अंदर मिला के एक फुल्ली वेल ड्रेन मिट्टी कर ली है जी इसकी हमने तैयार। अब आप इसके अंदर पानी डाल दें और 1 से 2 दिन के लिए आप इसको छाई के अंदर रख दें, उसके बाद आप इसको तपती हुई कड़ी धूप के अंदर जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही इसकी होती है ग्रोथ, क्योंकि गर्मियों का प्लांट है और गर्मी जितनी तेज़ होगी उतनी ही तेज़ी से इसकी होती है जी ग्रोथ। ठीक है, लास्ट में हम इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल देंगे पानी थोरली, फुल्ली वेल ड्रेन तरीके से आपको उसको पानी डाल देना है, ज़्यादा ज़्यादा पानी डालें। ठीक है, जो एक्सेस वाटर होगा वो आपके नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, ताकि जितने भी एयर गैप है मिट्टी के अंदर वो हो जाएंगे फुल्ली सेट। ठीक है जी, हमने सो कर दिया जी ट्रांसपोर्ट बड़े प्लांट के अंदर। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट अपडेट हम आपको देंगे जब बड़ा हो जाएगा।